नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सूची में शुमार है। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन के नियंत्रण में है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 42,000 है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का विकास आगामी 40 वर्षों में बढ़ने वाले संभावित यात्रियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जोधपुर के 137 वर्ष पुराने रेलवे स्टेशन का कायापलट होने जा रहा है। देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में शुमार जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ की लागत से भव्य इमारत बनाने की तैयारी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यह चाहते हैं कि उनके गृहनगर जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन की बहुउद्देशीय, बहुमंजिला और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई इमारत का जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि सुदूर प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को यहां मनचाही सुविधा मिल सके। रेल मंत्री की मंशा के अनुरूप रेलवे ने भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की इबारत लिख दी है, जिसके तहत पुनर्विकास के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी मिल गई है। इस संबंध में जोधपुर DRM का कहना है कि सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य स्वीकृत हो चुका है, इसकी टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ हो रही है तथा सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल अक्टूबर में मुख्य रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत को हटाकर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन की नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि मौजूदा इमारत की बनावट देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की भव्य इमारतों में शुमार है, लेकिन रेलवे ने आने वाले वर्षों में जनसंख्या के साथ बढ़ते रेल ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यह बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे स्टेशन पर बनने वाली नई इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 मंजिला होगी, जिसमें प्रमुख कार्यालय, बुकिंग विंडो, आरक्षण कार्यालय, VIP लॉन्ज, स्टेशन मास्टर कार्यालय, RPF, GRP कार्यालय व अन्य कार्यालय ग्राउंड फ्लोर पर तथा अन्य मंजिलों पर AC, non-AC रिटायरिंग रूम, पेड वेटिंग रूम, खानपान के स्टॉल्स व स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स लगाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला होगा, जहां यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत एयर कॉन्कोर्स विकसित किया जाएगा, जो रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा, जहां पर यात्री खड़े रह सकेंगे और अपनी गाड़ी आने के पश्चात प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। पुनर्विकास के बाद जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उन्नति, यात्री सुविधाओं के साथ तकनीक, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक मेल बनेगा। पुनर्विकास के उपरांत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेवा प्रदान करने की क्षमता 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी और इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। नए सिरे से तैयार होने के बाद यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह नजर आएगा, जहां वाहनों के आवागमन के लिए अलग से कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा और आम यात्रियों के लिए भी पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट तथा बाहर निकलने और भीतर प्रवेश करने के लिए अलग अलग गेट बनाए जाएंगे, जिससे एक साथ कई यात्री रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकेंगे और अंदर भी प्रवेश कर सकेंगे। नए रेलवे स्टेशन परिसर में खान पान स्टॉल सहित अन्य वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो 5-स्टार होटल का अनुभव प्रदान करेगी। वहीं अपग्रेड होने के बाद इस स्टेशन पर लॉबी, पेड लाउंज, फूड कोर्ट के अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे आम यात्रियों के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध होगी। नई इमारत बनने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर हाई सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित किया जाएगा और पूरा रेलवे स्टेशन परिसर CCTV कैमरा की नज़र में होगा। इसके अलावा RPF और GRP पुलिस सदैव अलर्ट मोड पर रहेगी।